छह करोड़ लोगों को रोजगार मिले, 5 बरस में 10 करोड़ लोग, 5 आदमी लगाइए तो 50 करोड़ लोगों की जिंदगी चली जाए। याद रखना, लोकतंत्र में बोली ही, लोकशाही में बोली, और बोली सच्ची होना चाहिए। पूरा देश का बेकार है, नौजवान बेकार है, बेरोजगार है। एक तरफ हत्या हो रही है, एक तरफ आत्महत्या हो रही है। हिंदुस्तान का जो किसान है वो 100 नहीं 2 नहीं 1000 बरस हो गए इस देश में अकाल पड़ता था। हर तरह की दिक्कत आती थी, लेकिन कभी किसान जो है वो आत्महत्या नहीं करता। और याद रखना, जो धरती पे चलता है, धरती पे काम करता है, मेहनत करता है, वो सबसे ज्यादा तो खेत खलिहान पहाड़ से लगता है, लेकिन उसका खेत जो है उसकी मौत हो गया। ये 70 बरस की आजादी हिंदुस्तान के आम आदमी के, गरीब आदमी के हक में नहीं है, खड़ी नहीं है। ये आजादी का संग्राम पूरा जो कह रहे हैं अगस्त है, भारत छोड़ो अंग्रेजों को हम कह रहे थे, लेकिन गरीबी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, बेकारी ने साथ नहीं छोड़ा। किसान की आत्महत्या हो रही है, हजारों में नहीं, कई हजार। आप हिंदू का जो श्रीनाथ साईनाथ है, एक पत्रकार है हिंदुस्तान के, एक पत्रकार ने, एक आदमी ने हिंदुस्तान के किसान की जो दर्द है, तकलीफ है, मौत है, आत्महत्या है, उसे दुनिया तक नहीं, दुनिया तक एक आदमी, एक कलम है उसकी, इतनी ताकत उसकी कलम में कि दुनिया भर में। और मैं जब मिला उनसे, ऐसे आला इंसानों से देश बनता है, दूसरी तरफ चारों तरफ सारे धर्म, 2 धर्म को छोड़ करके हिंदुस्तान में सारे धर्म है, ऐसा मुल्क है जो इसमें सब जैन, महावीर, बुद्ध है, राम है, कृष्ण है, जितने भगवान जो है वो यही है, 2 ही बार है, लेकिन धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर लोगों को झिंड के झिंड लोगों की हत्या कर रहे हैं। एक तरफ हत्या हो रही है, दूसरी तरफ आत्महत्या हो रही है। कहां खड़े हैं? ऊना में मरे जानवर की 1000 बरस से जो दलित है, जो जानवर मिर्जाज मर जाता है, हमारे देश में तो धंधों के नाम से जात बनी हुई है। 1000 बरस से मरे जानवर की खाल निकालते, ऊना में वो खाल निकाल रहे थे मरे जानवर, लेकिन लोग खड़े होकर के नंगा किया उनको, और नंगा करके उनका चमड़ा उतार रहे थे जो जिंदा दलित थे, जो जिंदा लोग। क्या कहां पहुंचे? ये सारे हालात है, आत्महत्या है, हत्या है। जानवर की खाल निकालने की सजा जो है वो खुद की खाल निकलवाना है। और चारों तरफ ये बिहार, आसाम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पानी जो है वो धरती का सोना है। याद रखना, धरती जो है रजस्वला तब बनती है, उर्वरक तब बनती है, जब धरती में पानी मिल जाता है। ये जो गंगा का मैदान जहां मैं खड़ा हूं, आज से 30 साल पहले तक ये अर्थ सी था यहां,
यानी धरती का समुद्र यहाँ था। लेकिन हम पानी जो जीवन है वो आज देखो आप बिहार में मेरे ख्याल से 100 कितने लोग हो गए 153 वो तो कल की खबर है। 173 सर आज और चले गए। कौन जा रहा है जो गरीब को छोड़कर के कोई नहीं जा रहा। हम पानी का भी इंतजाम नहीं कर सके। हम गंपई कब लगाते हैं नदी जोड़ देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। याद रखना हिंदुस्तान के लोकतंत्र कोई झूठ नहीं इतना ज्यादा। महात्मा जी कहते थे कि बोली और कर्म में अंतर होगा तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। लोकशाही जो है वो गांधी जी और हिंदुस्तान के पूजक के पूरे लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कानून तो मैंने बना दिया और जितनी ताकत थी उतना बनाया और सारे संविधान बनाने वाले लोगों ने बनाया। लेकिन ये संविधान लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं हुए तो मुल्क में गरीब का कोई काम नहीं होने वाला। यही हुआ। कोई मामूली नहीं 70 बरस तो गरीब के बाजू में भी लोकतंत्र बड़ा नहीं। बेकार बेरोजगार के बाजू में भी खड़ा लोग नहीं लोकतंत्र नहीं। किसी के आज जो है वो हालात हम कहते 125 करोड़ और ये पानी जो जीवन दे सकता था वो पानी का इंतजाम भी हम नहीं कर। कोई दूसरा यूरोप होता तो सबसे ज्यादा यदि कोई संपन्न इलाका होता तो बिहार होता पूर्वी उत्तर होता आसाम होता। मैं जिस इलाके में जन्मा हूं वो मेरी जहां ससुराल है वहां पानी निकालने के लिए 15 लाख रुपए लगता है। और बिहार में जब मैं जयप्रकाश जी से मिलने आया मैं 74 में 75 में जीता था उन्हीं ने मुझे को खड़ा किया था जबलपुर से। जब मैं इलाहाबाद से चला बनारस से लेकर आगे जब काम कर रहे हैं आप देखो मेरी जिंदगी में कितना पानी देते पानी तो वाली बात। मैंने कहा कि गंगा जो है उसकी धरती के नीचे 80 मेरा इलाके में कोसी में यारे में जब आया था यहां तो 500, 200, 300 रुपए में बांस का बोरिंग हो जाता। अब आज बांस का बोरिंग तो सवाल नहीं है। एक तरफ गुजरात क्या कहते हैं बिहार में जो साउथ बिहार है जो मगध है जहां चंद्रगुप्त पैदा हुए वो बुद्ध जहां बुद्ध को ज्ञान हुआ वो मगध पानी से बगैर पानी के पीड़ित है और एक सुखाड़ से पीड़ित है और एक बिहार समुंदर हो गया है उसमें डूब डूब के मर रहा है। कौन मर रहा है गरीब मर रहा है। ये हालात जो है वो यहां गठबंधन था। मुझे किसी से शिकायत नहीं ना किसी से बहुत लोग साथी रहे मेरा कोई किसी से नहीं हर एक से प्रेम रहा मैंने हर एक के साथ। मैंने कभी भी कुछ लोग कह रहे थे यहां अरे खबरदार ये प्रधानमंत्री का नाम है खबरदार हिंदुस्तान में इतनी बड़ी समस्या उनको लड़ने वाला और लड़ने वाले चाहिए और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री कुछ नहीं बनना ऐसा मत कहो। ये जो गठबंधन है ये बताते नहीं। जब मैं जबल दिल मधेपुरा में हारा उसी दिन मैंने कहा कि पुरानी पार्टी टूट गई है उसे मैं एक उसमें यहां के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी अति बड़ी थे
उन्होंने अकेले गए, वो मैंने था शिवपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी मिलकर के गए लखनऊ, एक बड़ी पार्टी बनाई जनता दल को, फिर से बना लिया, लेकिन जनता दल को बड़ा जनता दल बनाया, लेकिन भाई मुलायम सिंह खतर गया, मुलायम सिंह के साथ दे दिया, यहां सब जगह गड़बड़ हो गई, वो बहुत बड़ी पार्टी हम लोगों ने बना ली, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के हमारे साथी मुलायम सिंह जी जो है वो उसमें उनको माला डाल दी, उनको सब लोगों ने मिलकर के, पुराने जनता दल के सब लोगों ने मिलकर के उनको बनाया, लेकिन जब यहां हार गए और बुरी तरह हार गए, एनडीए टूट रहा था, मैंने बहुत कोशिश की मत छोड़ो, टूट गया, मगर मैं पार्टी का साथ और पार्टी को छोड़ना भुला मानता था, मैं साथ चला आया। उसी रात को जब मैं हारा था, उसके रात को ही पत्रकार से मैंने कहा कि ये पार्टी एक है, जनता दल वहां तो एक नहीं हुआ, लेकिन बिहार में मैं अकेला नहीं, सारी पार्टियों ने मिलकर के, कांग्रेस से लेकर के लेफ्ट से वामपंथी से लेकर सब लोगों ने मिलकर के यहां गठबंधन बनाया, मारे बिहार, बिहार की जनता सब जगह से उनका रथ जीतते आ रहा था, और याद रखना लोकतंत्र वही मजबूत रहता है, सरकारी पार्टी भी रहे लेकिन सरकारी पार्टी के सामने मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तभी क्या बात, जो पक्षी है वो अकेले एक पंख से नहीं उड़ता, दो पंख चाहिए उसको, लोकतंत्र भी सरकारी पक्ष चाहिए और लोकतंत्र में अपोजिशन चाहिए, वो दोनों मजबूत होंगे, दोनों पंख मजबूत होंगे तब चलेगा, गाड़ी के दोनों पहिए होंगे तब चलेगा, इंसान तब चलेगा जब दोनों टांग होंगे, इसी तरह लोकतंत्र है, बिहार की जनता ने सब तरफ हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में जीते, और डेढ़ डेढ़ महीने हम सब लोग यहां पड़े थे, देश भर के लोग घूमते, यहां के दो बड़े नेता 24 घंटे घूमे, आप जानते हो उनको, और मैं तो यहां डेढ़ महीने उनके साथ, जहां उनने कहा वहां गया, हर गठबंधन के इंसान आदमी के पास जिताने का, और बिहार की जनता ने दो तिहाई दुनिया में चारों तरफ इतना ज्यादा लोगों का उत्साह, लोकशाही वाले लोग बहुत चारों तरफ चिंतित थे, यहां गठबंधन जीत गया, गठबंधन यहां जीता, हमने 5 बरस का भी वादा किया था, गठबंधन के चाहे वो आरजेडी हो और चाहे वो जेडी हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हमने लोगों के बीच में जाकर के 5 बरस का वादा करार किया, लोगों ने हमको अमानत दी, याद रखना लोकशाही और लोकतंत्र में जो घोषणा पत्र होता है वो 5 बरस के लिए ईमान होता है, और ईमान को यदि पूरा करना है तो ईमान को बीच में छोड़ोगे, यह है हमारी तकलीफ, किसी से देश से बिहार की जनता ने 5 बरस के लिए विश्वास दिया है, वो धरोहर थी हमारे पास, मैं उस धरोहर में शरीक था, मित्रों में चौधरी देवीलाल में मैंने जनता दल, बहुत लोग चले गए उसमें, चले गए देवेगौड़ा उसमें, चले गए नवीन पटनायक, चुटाला जी चले गए, मुलायम सिंह चले गए, रामलाल जी चले गए, अजय सिंह चले गए, छाट छाट हो गया, चौधरी साहब ने जो जमानत, डॉक्टर लोहिया ने जो अमानत हमको सौंपी थी, जयप्रकाश जी लोहिया जी ने, कर्पूरी ठाकुर, मैं वर्षों कर्पूरी ठाकुर हूं, वो अपने पैर पे कद सुला करके पूरे बिहार को घूमता है, ये यहां पुल नहीं था, यहां वो चलता था, क्या कहते हैं वो
पानी वाले जहाज स्टीमर ये लोग मादर घूमे हैं। मैंने होश संभाला तब से बिहार में हुआ और कर्पूरी ठाकुर की एक गाड़ी हमारे पास वो क्या इंसान थे उम्र भर गरीब के हक में उम्र भर वीर कर्पूरी ठाकुर लड़ते रहा उम्र भर। जयप्रकाश जी लोहिया जी मधु जी के साथ मैं जेल में रहा और ये सपने थे कि हम लोग तो उसमें से सब निकलते गए। बचे थे हम लोग जेडीयू और जनता दल को तो कर्पूरी क्या कहते हैं आपके कर्पूरी जी का सर्वनाश हो गया था देवीलाल जी और मैंने मिलकर के उसमें बीपी सिंह जी फिरा यानी जो घर बनाया था और अंत में जो घर शेष बचा था मेरे पास उसको भी लोग जो कह रहे हैं वो आपका नहीं उसको भी कह रहे हैं ये घर आपका नहीं कर रहे मैं दौरा कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि नहीं अभी घर मैं तो आया था आज जैसे देख सूट असली है या कुछ मैं जरूर कुछ बोल सब साथी रहे प्रेम से जिंदगी भर कुछ बोलते नहीं बनता जो दिन भर रात दिन मेरे साथ साथ खड़े रहे उनने भी मुझे मदद जरूर पार्टी बनाने में सहायता हमें हिसाब नहीं करना चाहिए हमने कितना किया उतना भी किया कभी माँ और बाप कभी कभी माँ बाप भाई आपस में जो परिवार अच्छा होता है तो कभी एक दूसरे को क्या किया इसका कोई देखा चुका नहीं मैं भी उसका लेखा चुका मैं इतने कहना चाहता हूं कि ठीक नहीं हुआ गठबंधन टूटना ठीक नहीं हुआ ये गठबंधन जो है इसके कारण में आज चला आया यहां मैं तो देश भर के गठबंधन के लिए 3 साल से चला हूं 3 साल से लगा हुआ हाँ कल 17 को आप सब लोगों के आशीर्वाद से और पुरखों के सब पुरुषार्थ से पूरे देश की जो 70% जो एनडीए है उसको 31% वोट मिला है और 17 तारीख को दिल्ली में 69% लोगों का सारे लोग एक आशा और यहां गठबंधन बना होता रहता तो मैं कहता हूं यहां के गठबंधन का ही मकसद था कि आगे का गठबंधन बने लेकिन आगे बढ़े वह गठबंधन आगे बढ़ाया बन गया 17 को लेकिन यहां गठबंधन हल गया बिखर गया। मैं ये मानता हूं कि जनता जो है आज सबसे ज्यादा नौजवान है। मैंने कहा था कि भाई बाद में करना सारा नौजवान है इसमें कोई आदमी मुझे बहुत उम्र का बहुत इक्का दुक्का आदमी सभी 30-32 नीचे 18-19-20 अब मेरा मकसद कुछ नहीं चाहिए मुझे कोई पद नहीं चाहिए मैं जरूर हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी और आने वाला कल ऐसा हम लोग करना चाहते हैं कि ये जो पूरे तरह की तकलीफ है उनमें घटे वो तकलीफें मिटे चाहे वो दलित है आदिवासी है किसान है मजदूर है नौजवान है बेकार है ये उठेंगे तो मुक्ता कर देखो पाकिस्तान चीन है बात उसमें एक कास्ट है हान और रोज किस तरह का बयान दे रहा मैं इस मंच से कहना चाहता हूं सरकार ने सब विरोधी दलों को बुलाया था मैंने वहां कहा कि सारा देश आपके साथ है हो गया पीछे इतिहास में 62 अगली बार नहीं हमको शरीर और दांत से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे लेकिन मुल्क की धरती पर क्या हालत है इतने शरत है आस पास का मुल्क सबको छीन ले गया हर चीज में क्या कम है
समय हो गया, यहाँ ज्यादा नहीं कहूंगा, इतने कहूंगा नौजवानों, ये गठबंधन धरती में जनता में बना के रखना, जान सटा कर रखना है, ज्यादातर सटा देना। हमारे पुरखों के आशीर्वाद से चौधरी चरण सिंह मुझको सौंप के गया, हजारों में अपना एमएलए बनाए, सैकड़ों एमपी बनाए, कोई परवाह नहीं कौन साथ है कौन नहीं है, हलक में सांस है तब तलक, सच्चाई के लिए जो हमारे पुरखों ने राह दिखाई है, ये 14-11 पार्टी बनी, हर एक आदमी राजनीति बना बनना चाहिए, 540 की लोकसभा है, इतना बड़ा पद है क्यों उसको हल्का करते हो, चाहे जिस आदमी के लिए प्रॉमिस, क्या बात है। अरे हम तो ललते रहे उम्र भर, आगे भी लड़के जाना चाहते, मुल्क बना के जाते, और कोई हमारा सपना नहीं, इसलिए नौजवानों आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि गठबंधन नीचे बना लेना चाहिए, कोई परवाह नहीं, इसकी चिंता मत करना, हमारे साथ क्या होता है कभी चिंता मत करना, खुद के साथ क्या होता है, बहुत शांति है, टेम्पो निकाल दिया। मेरे पास पार्टी के लोग आए थे, बोले तीन दिन का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मेरा प्रोग्राम 13 वर्ष से नहीं लगता है, मैंने कहा नहीं इस बार मैं जरूर जाऊंगा, गठबंधन टूट गया, मुझे महसूस होता कि जैसा मैं, मुझे अफसोस है जनता को तकलीफ, मैं जरूर जाऊंगा, मैं गया तो जिन लोगों ने मेरा प्रोग्राम कराया वो सबको, चाहे वो रमई राम, चाहे अर्जुन है, राम धनिक लाल मुखिया, यानी मैं आपको बताऊं कि यहां विजय वर्मा है, सब लोग नाम नहीं ले पाऊंगा, वो सबको जो प्रोग्राम करा थे उनको सबको निकाल दिया, निकालो, लेकिन नौजवानों अपने राह को नहीं बदलना, मैं कह रहा हूं सच्ची राह है, गठबंधन जो है वो अमानत है, भाव दिल्ली में हमने फिर लोगों को, यहां का गठबंधन थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन दिल्ली में फिर से हमने 17 तारीख को सब लोगों के सहयोग से, सब पार्टी ने मोहब्बत के साथ सहयोग किया, साझा विरासत, सांझी विरासत, जात बिरादरी भाषा कितने तरह के अंतर हुए, एक गांव में 25-30 जात है, सब लोग सहयोग के साथ ना रहते गांव नहीं चल सकता, हिंदुस्तान बट गया तब हमारे पुरखों ने संविधान बनाया है, ऐसा संविधान बनाया कि सब मिलके चलेंगे, सब मिलके रहेंगे, ये है साझी विरासत, जो प्रियंबल है उसमें साझी विरासत होती है, उसका ही सम्मेलन हमने किया, इसमें किसी को भी अलग करना, किसी को भी धकेलना, किसी की भी भीड़ में भीड़ इकट्ठे करके मारना, लग जा गोबर गाय, अरे सदियों से हम इनके साथ हैं, तो इसलिए साझी विरासत का मतलब है हर तरह का सुख और दुख बांट के चले, एक रहेंगे, मुल्क बन गया लेकिन हमारे पुरखों ने साझी विरासत का संविधान बनाया, बाबा साहब की जो किताब है संविधान की, एक किताब है दीन की, गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, और एक किताब बाबा साहब ने संविधान बनाने वालों ने हमारे हाथ में दी है, संविधान की किताब, उसका प्रियंबल है साझा विरासत, साझा विरासत हमारी पार्टी का भी संविधान है, उसको पढ़ लेना, संविधान की जो साझी विरासत है वो हमारी पार्टी के प्रियंबल में भी लिखा हुआ, जनता दल के लिखा, अब
जनता दल एस हो गया, जनता दल पता नहीं क्या क्या हो गया, और जो बचा हुआ जनता दल था तो हमको बेघर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना, मेरा आपसे निवेदन, कि सांझी विरासत, संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ ये संविधान है, वो आगम और निगम के परे वो किताब है जिनका मैंने नाम लिया, बाइबल है, कुरान है, गीता है, रामायण है। लेकिन यदि कोई असली जिंदा आदमी की कोई बड़ी किताब है तो संविधान है। वो सारी किताबें तब बचेंगी जब बाबा साहब के संविधान, हमारे पुरखों के बनाए हुए संविधान को हम बचा के रखें। ये संविधान जो है वो आपके जिंदा लोगों की खिदमत और सेवा के लिए, उसमें सब सब आपके हक में, सब आपके हक में है, तो हर धर्म के हक में है, हर जात के हक में है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप सबसे विनती है, और अध्यक्ष बाद में बोलता है, इस सूबे का सबसे पुराना आदमी रमई राम, जिसके पिता रिक्शा चलाते थे, नौकरी में था, छोड़ा, और ये पहला आदमी है जो दिल्ली मेरे पास आया और कहा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे दूर था लेकिन आज आपके साथ हूं। ये पटना से नहीं, दिल्ली से मेरे साथ, मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में था, ये जो साधारण क्लास थी उसको लेकर आया, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग वो मेरे पहले बोलते लेकिन अध्यक्ष रमई राम जी का, मैं उनसे कहूँगा कि आप किसी को नाम लेकर के मत बोलते, नाम करे सुनिए, नाम जो है वो तो आना है जाना है, जो राह है उसूल है,